हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर पैटर्न और साथ ही साथ में जानेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर SST हो, इन सब के बारे में हम एकदम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। और लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आप लोग तैयारी कैसे करें, वो भी फ्री में। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी चीजें आपको ना समझ में आएगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप नवोदय और CHS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जानते हैं हम लोग अपने सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न हम लोग का क्या होने वाला है। ठीक है, बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, सर इसके बारे में बता दीजिए कि पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है। वैसे तो मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है कि आपका फॉर्म कब तक आने वाला है। अगर जो आप सब वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने एकदम बारीक से पिछले साल का डाटा ले करके बताया था कि आपका इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा और उसमें कितनी फीस आपको लग सकती है। इस बार पिछले डाटा के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ठीक है, एनालिसिस करके। ठीक है बच्चों, चलिए जान लेते हैं हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में, उसके बाद में हम लोग जानेंगे सिलेबस क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अगर जो पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पिछले साल देखिए, पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, वही मार्क की बात की जाए तो 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का होने वाला था पिछले साल, लेकिन सही क्या हो गया, 300 नंबर। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन कितने 300 नंबर का था पिछले बार। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने 3 नंबर का था, टोटल कितने 300 नंबर के थे, तो यहाँ पर मार्क को आप लोग गणना कर लीजिएंगे 300। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर जो सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, और क्या है, निगेटिव मार्किंग वहां पर कोई नहीं थी। ठीक है, ये पिछले साल का डाटा था, तो इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम समझ लेते हैं कि आपका एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, मतलब माध्यम किस तरह से होगा। अगर जिसकी बात की जाए तो आपके एग्जाम में देखिए हिंदी में भी पेपर दिया रहेगा और अंग्रेजी में। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आता, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, पेपर जो रहेगा दोनों मैटर में रहेगा। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश में सॉल्व कर लीजिएगा चाहे हिंदी में। अगर जो लेवल की बात की जाए, मतलब क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, तो कक्षा 8वीं के लेवल के बताया गया यहाँ पर कि कक्षा 8 के लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए जान लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी से आएगा तो क्या आएगा, अंग्रेजी से आएगा तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से डाटा में सब कुछ लिखा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में कितने 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद मार्क की बात यहाँ पर छोड़ दीजिए, मार्क हो सकता है आगे पीछे इस बार भी कर दिया जाए, क्योंकि पिछली बार आगे पीछे कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश के कितने आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अंदर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री वगैरह रहेगा। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, इसमें कितने 20 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं बात की जाए मैथ की, तो मैथ में भी 20 क्वेश्चन और साइंस में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल मिलाकर के 20-25 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एग्जाम में। सॉल्व करने के लिए कितना 2 घंटे बताया गया, मैंने बता दिया कि 2 घंटे आपको इसको सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। यहाँ मार्क की बात की जाए तो टोटल कितने 300 मार्क के होंगे, पिछले बार हुए थे, तो इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 300 मार्क का हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो हिंदी में आएगा तो हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसी प्रकार से जनरल नॉलेज जो है इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और कहाँ से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार मैथ और साइंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ एकदम टाइपिंग करवा कर एकदम बढ़िया से लेकर आया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में कितने 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन 4 टॉपिक दिए गए, इनके अंदर भी अलग अलग तरह से टॉपिक होते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड जो दिया गया है वर्ड विचार, उसके बाद पद परिचय, उसके अंदर क्या दिया गया है वाक्य परिचय और क्या है वाक्य विचार। ठीक है, जब हिंदी वाले सर आएंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि इन चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते नहीं है शब्द विचार पे मतलब क्या हो जाएगा, अगर जो वाक्य विचार है तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। ठीक है, वो सब हिंदी वाले सर आपको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे शब्द की बात की जाए तो शब्द में क्या आ सकता है, विलोम शब्द आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में पर्यायवाची शब्द आ सकता है। ठीक है, वाक्य वाले में क्या आ सकता है, वो जो क्या कहते हैं आप लोग मुहावरे वगैरह होते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है ना, अब बात की जाए इसका थोड़ा सा आगे बढ़े और इसके बाद में समझ लें इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में 3 तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, रीडिंग जो होता है उससे आएगा। ठीक है, मतलब एक पैसे दिया जाएगा, उसमें पढ़ करके आपको क्वेश्चन देना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में ग्रामर में, उसके अंदर दिया रहेगा शब्दावली। ठीक है, शब्दावली का मतलब वोकैब जो होता है, इससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे सिनोनेम, एंटोनेम। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से आएंगे। और ग्रामर से क्या हो गया आपका, टेंस हो गया, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, या फिर आ गया
एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, ठीक है, इन सब चैप्टर से आएंगे। और रीडिंग वाले से तो मैंने बता दिया कि आपको पैसे दिया जा रहा है, पैसे से क्या करना रहेगा, आपको क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से आपके, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले सर जब पढ़ाने आएंगे तो बताएंगे कौन कौन से टॉपिक भी डिस्कस करना, कौन कौन से आपको चैप्टर पर ज्यादा ध्यान से पढ़ना है और कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो सब आपके अंग्रेजी वाले सर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में हम लोग जीके या एसएसटी के बारे में समझ लेते हैं। एसएसटी में चार टॉपिक दिए गए हैं, इन चारों टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे सर कि इन चारों टॉपिक में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा आता है, ठीक है। जैसे करंट अफेयर वगैरह हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, पॉलिटी भी पढ़ना, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मतलब पूरा मिलाकर के सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देखेंगे अगर जो हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री भी देखिए, अब हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री कहाँ तक पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे, जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे, साथ ही साथ में आपको पॉलिटी और करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे कौन पढ़ाएगा, या तो पढ़ाएं, वैसे तो सुग्रीम सर ही पढ़ाएंगे आपको एसएसटी, ठीक है, बस उन्हीं से आपको पढ़ना है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग आगे और समझ लेते हैं गणित, ठीक है। गणित में देखिए बहुत ही आसान आसान चैप्टर है, जो आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं या 9वीं में पढ़ने वाले वही चैप्टर है, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर पढ़ना है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, इन वन वेरिएबल पढ़ना है, यानी कि क्या होता है एक चर राशि वाले रेखीय समीकरण जो होती है उसको पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ में आपको क्या पढ़ना है चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ज्यामिति, ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर क्या है डाटा हैंडलिंग, जो आंकड़े दिए होते हैं मतलब चार्ट बना रहता है, पाई चार्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है इस तरह से लाइन करके चार्ट बनाया गया होता है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ में आपको क्या पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल भी पढ़ना है, ठीक है। वर्गमूल आप लोग जानते होंगे, जैसे लिखा गया है कि कोई संख्या लिखी गई है, जैसे लिखा गया चार, ठीक है, तो इसका क्या करते हैं हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हो गए, उसके बाद में आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर और कुछ चैप्टर दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए, जैसे क्या हो गया घन और घनाभ, ठीक है। उसके बाद में मात्रा का तुलना, जैसे दिया होता ना कि एक बर्तन में इतने पानी है, ठीक है, इसमें से कितना मिला दिया जाए, कितना निकाल दिया, ठीक है, ये सब चैप्टर यहाँ पर आएंगे। इसके बाद में एलजेब्रा, ठीक है, बीजगणित वाला चैप्टर आ जाएगा, जिसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर करके दिया रहता है, इक्वेशन दिया रहता है, उसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाएगा ठोस आंकड़ों का चित्रण, जो मतलब क्या होते हैं जो दिया होता है आयतन निकालना होता है, या फिर इस तरह के होते नहीं, फिगर दिया रहेगा, गोला दिया रहेगा, इसका पूछेगा आयतन दिया पूछेगा, उसके अंदर बेलन दिया रहेगा, इसका पूछेगा आयतन क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा क्षेत्रमिति, ठीक है, इसमें भी उसी तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में एक आ जाएगा घातांक, ठीक है, घातांक मतलब क्या होता है घातांक एवं कर्णी, यहाँ देखिए शक्ति लिखा गया, पावर का मतलब तो शक्ति नहीं होना चाहिए, घातांक एवं कर्णी, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस थोड़ा देखने में आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन से मैं अभी करा रहा हूँ, आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस समय 6:30 पर मैथ की क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। जो बच्चे अभी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं आकर के कर सकते हैं, आपकी डेली 6:30 पर मैथ की क्लास मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें कौन चल रहा है अभी प्लेन वाले चैप्टर चल रहे हैं, जैसे ये क्या होता है वृत्त हो गया, ठीक है, इस तरह के जो चैप्टर होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी और सब चैप्टर जैसे हो गया वर्गमूल घनमूल, ठीक है, ये सब चैप्टर हमने खत्म कर दिया तो उनको पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जाम पास आएगा तो नए सिरे से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करिए, जो अभी क्लास चल रही है, ठीक है, उसको करते रहिए आप लोग, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आ जाता है साइंस। साइंस आपका है, जो इसको कौन पढ़ाएंगे, एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है, अगर जो टाइम रहा तो उनको वो पढ़ाएंगे, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा या फिर और कोई टीचर आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जैसे धातु अधातु वाला चैप्टर इसी में पढ़ना है, जीवाणु जो मित्र होते हैं कि शत्रु होते हैं इसके बारे में यही में पढ़ना है, ठीक है, फसल प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इधर देखेंगे और सारे चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं फोर्स और क्या होता है प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। साथ साथ में आपको इतने चैप्टर जैसे जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है ये पढ़ना, किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा साइंस का भी चैप्टर आप एक प्रकार से कह सकते हैं सिलेबस है, ठीक है। जैसे और देख लेंगे अभी और साइंस का सिलेबस है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं साइंस में और कौन से साउंड भी पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद फ्रिक्शन भी पढ़ना है, साथ ही साथ में आपको क्या पढ़ना है ये सब सारी चीजें, प्रकाश, लाइट वाइट सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिलेबस 18 चैप्टर साइंस के हैं, ठीक है, इससे भी कितने 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो इस चैप्टर को, इन सब सब्जेक्ट को क्या करेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर जो आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ते रहिए, ठीक है, साथ साथ में जो लेक्चर कराए जा रहे हैं उनको करते रहिए, ठीक है। आपकी डेली क्लास कितनी 6:30 पर चलती है, ठीक है, जिसको कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ। ये क्लास क्या होती है यूट्यूब पर होती है, वो एकदम से फ्री होती है, ठीक है, फ्री होती है। बच्चे बार बार कहते हैं सर फ्री होती है या पेड होती है, तो ये क्लास एकदम से फ्री होती है, ठीक है बच्चों। अब आकर के आप लोग यहाँ पर तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपका एग्जाम कब होगा इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, फॉर्म कब आएगा इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन से आप फॉर्म का इंतजार मत करिए कि फॉर्म आ जाएगा तब पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फॉर्म आएगा तो हो सकता है टाइम ही ना मिले आपको पढ़ने के लिए, तो क्या करिए अभी से तैयारी में लग जाइए और तैयारी करते रहिए, ठीक है बच्चों।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आया हो या फिर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको भी अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों।